गुरुग्राम। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और श्रद्धेय जन को भी मेरा प्रणाम। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे साथी मैडम सुंदर मैडम, चूंकि मेरे से छोटी है उम्र में, तो आप सबका ये प्यार देखकर मुझे अपनी पुरानी स्कूले की जो याद थी, मेरे पूर्व विद्यालय शासकीय हाई स्कूल सजाटा, वहाँ का स्टाफ, वहाँ की प्राचार्य मैडम, उनका प्रेम याद आ जाता है। कल रात से ही फोन आने लगे थे प्राचार्य मैडम का, आया रात 12 बजे, जबकि वो 9 बजे सो जाती है, फिर भी 12 बजे, उनका प्रेम ही है। वो शायद इंतज़ार किस तरह वो 3 घंटे इंतज़ार की होगी 12 बजे का। उसके बाद सुबह से 3-4 फोन आ चुके हैं सभी स्टाफ का आया। फिर मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैं सुबह थोड़ा शायद इतना जितना सुखमय वातावरण अभी बना है, सुबह ऐसा नहीं लग रहा था, थोड़ा अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। विद्यालय को अपने मिस कर रहे थे, हम स्टाफ को मिस कर रहे थे, लग रहा था कहाँ आ गए। इतना अच्छा सुबह से सब स्टाफ का फ़ोन एक एक करके सभी मैडम और स्पेशली प्रिंसिपल मैडम का फ़ोन, तो लग रहा था कि मैंने लगता शायद गलती कर दी सीएम राय विद्यालय को चुनकर। मेरा पूर्व विद्यालय अच्छा था, लेकिन आप सभी का ये प्रेम देखकर मेरी ये जो सुबह की जो सोच थी मेरे ऊपर ही गलत साबित हो गई, क्योंकि पहले से ही पूर्व कल्पना नहीं करनी चाहिए, समय आने देना चाहिए, समय अनुसार धीरे 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 वस्तु स्थिति का पता चलता है। और आप लोगों का ये प्रेम और स्पेशली छोटे छोटे बच्चों का प्रेम देखकर मन द्रवित हो जाता है। एक एक करके बच्चे आ रहे थे चॉकलेट लेके हाथ में, मुझे चॉकलेट खिलानी चाहिए थी, साहब ने कहा भी था सर ने कि मैडम चॉकलेट खिलाइए, पर मैं थोड़ा काम में व्यस्त हो गई थी, सोचा 3 बजे के बाद फिर जाऊंगी तो बच्चों के साथ मिलूंगी और थोड़ा वहाँ भी समय व्यतीत करूँगी। लेकिन मेरे जाने के पहले ही बच्चे आ गए मुझसे मिलने, हाथ में चॉकलेट लिए, मैडम हैप्पी बर्थडे। तो इन बच्चों का प्रेम देखकर मन और भी द्रवित हो गया मेरा, लगा कि नहीं, जो मैंने चुना वो मेरे लिए बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा विद्यालय में चुनकर आई। और सबसे ज़्यादा खुशी की अनुभूति इसलिए और हो रही है कि सबने ये कहा कि आपसे ही इसकी शुरुआत हुई है, मेरे जन्म दिवस से इस नई परंपरा की शुरुआत हुई है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और ये परंपरा हमारे सीएम राइज में अनवरत चलती रहे, यही भगवान और माँ सरस्वती से मेरी यही प्रार्थना है आज के जन्म दिवस पे, कि मुझे यही आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें कि यह हमारा विद्यालय ऊंची प्रगति पर पहुंचे। और जो जैसे दिल्ली में शासकीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, वैसी संचालित करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम सब मिलकर उनकी इस परिकल्पना को पूर्ण करेंगे। और आज से ही मैंने एक नई शुरुआत की है अपने जन्म दिवस पे, मैंने आज अपना पहला पाठ योजना तैयार कर लिया, और इसी उम्मीद के साथ कि जब मैं 1 तारीख को क्लास में जाऊंगी तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ जाऊंगी, जिससे बच्चे जैसा सर सभी लोग मुझे यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप खूब तरक्की करें। तो तरक्की तो एक शिक्षक की तभी होती है जब उनके बच्चों की तरक्की होती है। यदि हमारे बच्चों की तरक्की होगी, बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तो निश्चित ही मेरा भी रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। और मेरे जन्मदिवस की जो भी शुभकामनाएं आप सभी के द्वारा मुझे मिली हैं वो तभी पूर्ण होगी यदि हमारे बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे निकलेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे और ऊंची स्थानों पर पहुंचेंगे, तभी हमारा नाम रोशन होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रेम को मैं हमेशा याद रखूंगी और ये प्रथम जन्मदिवस इस सीएम राइज का ये भी हमेशा याद रखूंगी।